हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 9 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका क्लिक इवेंट एंड फंक्शन के बारे में कि किस तरीके से आप इवेंट्स यहां पे डिक्लेयर करते हैं, और यहां पे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे हम। एंड जैस की गाइज, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, ये रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। और सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। और सोर्स कोड के लिए आपको हमारी वेबसाइट एंड गिटहब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इवेंट्स को रखते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर द इवेंट हैंडलर्स इन रिएक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसी पे पूरा का पूरा रिएक्ट वर्क होता है, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड वाला गाइस। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन रखा है पहले। इवेंट हैंडलर डिटरमाइन व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन व्हेनेवर अ इवेंट इज फायर्ड, दिस कॉल्ड बी अ बटन क्लिक और अ चेंज इन द टेक्स्ट इनपुट। इट मींस कि जब कभी भी हम जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे ना, तो उस वहां पे हमारे को क्लिक मिलता था, ऑन चेंज मिलता था। तो इसी तरीके से यहां पे भी हमारे को चीजें चलती हैं, बट उसका थोड़ा सा सिनारियो थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको JSX पढ़ाया था ना, उस JSX की वजह से ही यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, एसेंशियली इवेंट हैंडलर आर व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ योर रिएक्ट ऐप। हैंडलिंग इवेंट्स विथ रिएक्ट एलिमेंट्स इज सिमिलर टू हैंडलिंग इवेंट्स ऑन डॉम एलिमेंट विथ अ फ्यू माइनर एक्सेप्शंस। ओके, तो यहां पे मैंने मेंशन करा है कि जिस तरीके से हम डॉम को मैनिपुलेट करते थे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, सिमिलर वैसा ही कुछ यहां पे भी हम कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर भी। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका यहां पे, इफ यू आर अ फेमिलियर विद हाउ इवेंट्स वर्क इन स्टैंडर्ड HTML एंड जावास्क्रिप्ट, इट शुड बी इजी फॉर यू टू लर्न हाउ टू हैंडल इवेंट्स इन रिएक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी मैं रिएक्ट की सीरीज लेके आऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज दूंगा, क्योंकि उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको पहले से ही कि रिएक्ट में क्या काम हो रहा है। इसीलिए मैंने वो दोनों सीरीज पहले कंप्लीट कर दी गाइस। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट आर ऑन क्लिक हैंडलर्स इन रिएक्ट। ओके, सो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपका, द रिएक्ट ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर अनेबल्स टू यू टू कॉल अ फंक्शन एंड ट्रिगर अ एक्शन व्हेन अ यूजर क्लिक अ एलिमेंट सच एज अ बटन इन योर ऐप। अगर मैंने कोई बटन रखा है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं एज अ यूजर, तो वो वहां पे उसकी फंक्शनैलिटी को वर्क करेगा जो भी हम फंक्शनल बनाएंगे वहां पे। इवेंट नेम्स आर रिटन इन कैमल केस, आपका कैमल केस में होना चाहिए यहां पे, सो दैट ऑन क्लिक इवेंट्स इन रिटन एज ऑन क्लिक इन आवर रिएक्ट ऐप। इन एडिशन रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स अपीयर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, आपको जितने ही फंक्शंस को कॉल करवाना होगा वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही करवाना होगा। अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल समझाता हूं एक छोटा सा, कि HTML में हम अभी तक फंक्शन को कैसे लिखते थे। ऑन क्लिक देखिए आपका आपका कैपिटल नहीं है, आपका स्मॉल केस है, और ऑन भी आपका स्मॉल केस है, और यहां पे आपके कर्ली ब्रेसेस नहीं है। ओके, हम यहां पे क्या करते हैं, आपके स्क्वायर्स के अंदर यहां पे हम अपने फंक्शंस को कॉल करवा देते हैं, किसके थ्रू, पैरेंथेसिस। ओके, बट यहां पे जब हम आएंगे आपके रिएक्ट की ऐप में, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आपका ऑन क्लिक में सी आपका कैपिटल होगा, जिसमें मैं कैमल केस की बात कर रहा हूं आपका, एंड देन आप फंक्शन कॉल कराएंगे किसके अंदर, आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये डिफरेंस होते हैं, और ये डिफरेंस आपके इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ओके, तो ये था आपका थ्योरी का पार्ट, यहां चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी एडिटर पे। सो गाइज, ये है हमारा एडिटर, और एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले यहां पे हमने क्या कर रखा है, आपका app.js को ओपन कर रखा है। ओके, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें यहां मिल रहा है, हेलो एवरीवन के नाम से। ओके, यहीं पे हम देखने वाले, और ये नई ब्रांच बना ली है हमने पार्ट 9 आपका क्लिक इवेंट के नाम से। ये आपको गिटहब के ऊपर आपको इसका पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मानिए कि मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। देखिए मैं एक बटन बना लेता हूं, और मैं क्लिक में रख लेता हूं इसका नाम, और यहां पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं किस तरीके से ये चलता है आपका इवेंट इसके अंदर। तो मैं यहां पे कॉन्स्ट सपोज मैं लेता हूं, और डैम हूं एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं यहां पे। ओके, एक अलर्ट ले लेते हैं यहां पे। इस अलर्ट के अंदर अब मैं क्या करता हूं, यहां पे हेलो एवरीवन लिख देता हूं, ये देखिए। ओके, ये तो हमने फंक्शन बना लिया, आप देख रहे हैं फंक्शन यहां पे, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने से पहले यहां पे एक फंक्शन को यहां पे कॉल भी करवाना होगा। तो हमें कैसे कॉल करवाना होगा, सी आपका कैपिटल होगा। ओके,
ऑन, ये देखिए इस कैपिटल में, और फिर उसके बाद में आपको यहां पे यूज करना होगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में आप अगर डेमो और पैराथिनिस अगर ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहां करूं सेव एंड सेव करके आपको यहां पे ब्राउजर पे लेके चलूं तो ये देखिए आपका फंक्शन ऑटोमेटिक ऑन लोड पे आपको यहां पे कॉल कर रहा है। ओके, अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको तो देखिए जितनी बार भी आप यहां पे करेंगे रिफ्रेश, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं अगेन तो देखिए आपका फंक्शन कॉल हो गया अपने आप। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने तो यहां पे इवेंट के साथ में क्लिक बनाया है कि आपका क्लिक करने पे ही आपका फंक्शन वर्क करना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपका इसकी वजह से कि हम यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं पैराथिनिस। जब कभी भी आप रिएक्ट के अंदर किसी भी एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे ओके और आप उसे कॉल करवाएंगे तो आप उस टाइम पे यहां पे पैराथिनिस को कॉल नहीं करवाएंगे। ओके, मैं यहां से इसे कर देता हूं रिमूव, एंड रिमूव करने के बाद करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां चलने के बाद आप देखेंगे, देखिए आपका हेलो एवरीवन, अब मैं इस पे करूंगा क्लिक, तो क्लिक करने के बाद में ही आपका यहां पे ट्रिगर भी होगा ये। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे आपका चल रहा है अब, कि जब तक मैंने यहां पे क्लिक नहीं करा जब तक आपका फंक्शन यहां पे ट्रिगर नहीं कर रहा। ओके, ये तो हो गया आपका यहां पे कि फंक्शन के साथ में कैसे कर सकते हैं आप। अब एक चीज और कि आप यहां पे मानिए कि जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस रखा है ओके, और कर्ली ब्रेसेस में अब आप चाहते हैं कि मैं यहीं पे कंसोल या यहीं पे अलर्ट भी करवा सकता हूं क्या? यस, करवा सकते हैं आप। कैसे करवा सकते हैं आप? यहां पे आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहां पे फैट एरो फंक्शन बनाना होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में कि किस तरीके से फैट एरो फंक्शन वर्क करता है। और यहां पे मैं हेलो एवरीवन यहां लिख दूंगा, अब मैं फंक्शन कॉल नहीं करवा रहा हूं। तो अब हमारा क्या चलेगा, यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, यहां पे आने के बाद करेंगे देखिए रिफ्रेश, अभी भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तब भी ये अभी आपका फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं करूंगा यहां पे क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो हेलो एवरीवन आपको यहां पे विजिबल भी हो रहा है। ओके, ये देखिए, तो ये है आपका फॉर्मेट कि किस तरीके से आप इनलाइन के लिए, जब कभी भी आप इनलाइन के लिए चीजें करेंगे ना तो उस टाइम पे आप इस चीजों को कर सकते हैं। अब आपका ये एक क्वेश्चन और होगा कि जब कभी भी हम फैट एरो फंक्शन लेते हैं और उस टाइम पे हमारे पास में अगर मानिए फंक्शन है तो हम फैट एरो फंक्शन के साथ में हम अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं? यस, करवा सकते हैं आप। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहां से अलर्ट को हटा देंगे, मानिए मैंने ये अलर्ट को हटा दिया, डिलीट कर दिया, आपको यहां पे अपने फंक्शन का नाम लेना है। मैंने यहां पे डेमो देन पैराथिनिस मैंने यहां पे लगाया, करूंगा मैं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे चलूंगा मैं, यहां करूंगा रिफ्रेश। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद में अब डेमो पैराथिनिस के साथ में भी आपका ऑन लोड पे आपका यहां पे अलर्ट और फंक्शन अपने आप कॉल नहीं हो रहा है। ओके, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा, जैसे ही मैं करूंगा यहां पे क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे देखिए आपका फंक्शन यहां पे कॉल हो गया। ओके, ये देखें आउटपुट आपको यहां पे विजिबल भी हो रहा होगा। तो ये भी है एक आपका यहां पे मेथड। अब इसके बाद में अगर आप चाहें कि मेरे पास में कोई वेरिएबल है मानिए, तो मैं वेरिएबल क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, लेट लेता हूं, मैं डेटा बनाता हूं और डेटा के अंदर मानिए स्ट्रिंग है मेरे पास में पहले, ये देखें, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि ये डेटा को सबसे पहले मैं अलर्ट के अंदर चेक करना चाहता हूं कि क्या डेटा की वैल्यू क्या है, तो मैं यहां पे अलर्ट के अंदर डाल दूंगा इसको, ठीक है। अब मैं चलूंगा करूंगा मैं इसको सेव, अभी सेव कर लिया मैंने, सेव करने के बाद में अभी क्या करेंगे हम यहां चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे तब भी हमारा ऑन लोड पे नहीं चल रहा अभी। ओके, करूंगा मैं यहां पे क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहां पे वेरिएबल की, आपकी कोड फॉर एजुकेशन। ओके, करूंगा मैं ओके, चलेंगे वापस। अब आपने देखा कि यहां पे आपका डेटा का क्या वैल्यू आ गया। ओके, अब डेटा की वैल्यू के बाद में अब क्या करना होगा आपको कि आप चाहते हैं कि इसके डेटा के वैल्यू को चेंज करना, ठीक है। चेंज कैसे कर सकते हैं आप, चेंज मानिए अगर मैंने डेटा यहां पे लिया ओके, और मैंने इसकी वैल्यू यहां पे भास्कर गुप्ता कर दी ओके, और मैंने क्या करा कि यहां पे डेटा प्रिंट करवा दिया, मानिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल को प्रिंट भी करवा सकते हैं अपनी फाइल में, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, यहां आने के बाद आप देखेंगे कोड फॉर एजुकेशन आपको विजिबल भी हो रहा है, बट हमने तो डेटा चेंज कर दिया था, डेटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी अब, भास्कर गुप्ता। अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे तो आपको क्लिक करने के बाद में वैल्यू चेंज मिल रही है भास्कर गुप्ता, बट आपको यहां पे दिख रहा होगा जो हमने प्रिंट करवा रखा है आपका H1 के अंदर, वहां पे आपका यहां पे अपडेट नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं अपडेट हुआ है, अपडेट इसलिए नहीं हुआ है यहां पे गाइस क्योंकि यहां पे हम वेरिएबल्स को यूज नहीं करते हैं कभी भी प्रिंट करवाने के लिए। यहां पे हमें मिलते हैं स्टेट के साथ में, हम स्टेट को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में हमारी वैल्यू जो बिल्कुल डायनेमिक वे में होती है उस तरीके से हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा गाइस। इस वीडियो के अंदर इतना ही था,
कि किस तरीके से आप यहां पे क्लिक इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से फंक्शन आप डिक्लेयर करना है, किस तरीके से आप यहां पे वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं। बट इसके आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स के बजाय हम यहां पे क्या प्रिंट करवाते हैं, ओके, और कैसे मैनेज कर सकते हैं आप अपडेट एंड डिलीट, ये सारी चीजें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट स्टेट के बारे में विद फंक्शन, की किस तरीके से स्टेट वर्क करता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब क्लिक टिल देन, बाय गाइज।